गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बतलाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर आप इस वीडियो से मिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप लोग जो है प्रश्न सेट कोड अपना अपना देख लीजिएगा। ये दोस्तों मेरे पास प्रश्न सेट कोड ई आया हुआ है, मैं आज आपको इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बतलाने वाला हूं। जो आज एग्जामिनेशन दिए हैं 2020 में फिजिक्स का, उसको मैं आज इस वीडियो में आंसर बतलाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने सेट के अनुसार उस क्वेश्चन को टिक करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि लैम्डा किसी जगह में नमन कोण है तो टेन लैम्डा का व्यंजक होता है। इसका पहला ऑप्शन है बी वी बटा बी एच, यानी वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र बटा हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र। बी है बी एच बटा बी वी, यानी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बटा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। सी है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और डी है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों, ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बटा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। इसका ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है 1.5, सी ऑप्शन है 2.42 और डी ऑप्शन है 1.4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा। चार में है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1 माइक्रोकुलोम, ऑप्शन सी 1 कुलोम और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0। पांच में है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। ऑप्शन ए है 1000 का बेस 2, ऑप्शन बी है 1001 का बेस 2, ऑप्शन सी है 11001 का बेस 2 और ऑप्शन डी है 11101 का बेस 2। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, 11001 2। छठा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। सात में है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। ऑप्शन ए है m(l²t⁻¹), बी है m(l²t⁻²), सी है m(l t⁻¹) और डी है m(l t⁻²)। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए m(l²t⁻¹). आठ में है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर ऑप्शन ए अस्थिर रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है। नौ में है, 1 AMU बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1.6×10⁻²⁷ kg, ऑप्शन बी 1.6×10⁻²⁷ kg, ऑप्शन सी 1.6×10⁻³⁰ kg एंड ऑप्शन डी 1.6×10⁻¹⁹ kg। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.6×10⁻²⁷ kg। दस में है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। और इसका ऑप्शन है ए LM = 5/6 LG, ऑप्शन बी LM =
सिक्स अपॉन फाइव एल जी, ऑप्शन सी एल एम इक्वल टू एल जी, और ऑप्शन डी एल एम इक्वल टू टू एल जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए एल एम इक्वल टू फाइव डिवाइड सिक्स एल जी। इलेवन में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी भाग दृश्य भाग में होती है, ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पाश्चन श्रेणी, और ऑप्शन डी ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बामर श्रेणी। बारह में है एपिसलन नॉट का मात्रक है, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी फैराड प्रति मीटर, ऑप्शन सी कूलम प्रति वोल्ट, और ऑप्शन डी फैराड मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फैराड प्रति मीटर। उसके बाद तेरह में है ये एक सिंबल दिया हुआ है, चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो एक गेट दिया हुआ है और ये चिन्ह है सिंबल है, इसको पहचानना है। इसका ऑप्शन है ए और बी नॉर, सी नैंड और डी एंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है। उसके बाद चौदह में है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नहीं बदलती है, और ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। पंद्रह में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ऑप्शन ए आवेश की, ऑप्शन बी विभवांतर की, ऑप्शन सी धारा की, और ऑप्शन डी ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होगा, ऑप्शन डी सही। उसके बाद सोलह में है निम्नलिखित में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और इसका ऑप्शन है दोस्तों ए में प्रकाश तरंगे, बी एक्स किरणे, सी ध्वनि तरंगे, और डी अवरक्त किरणे। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों सी होगा ध्वनि तरंगे। सत्रह में है ए मीटर का प्रतिरोध होता है, सत्रह का ए ऑप्शन है कम, बी बड़ा, सी बहुत कम, और डी बहुत बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी बहुत कम। अठारह में है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, ऑप्शन ए है अर्ध आयु बराबर औसत आयु, ऑप्शन बी अर्ध आयु बराबर दो गुना औसत आयु, ऑप्शन सी अर्ध आयु बराबर 1.6931 गुना औसत आयु, और ऑप्शन डी है अर्ध आयु बराबर 0.6931 औसत आयु। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 19 में है यल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ऑप्शन ए आर प्लस ओमेगा यल, ऑप्शन बी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर, ऑप्शन सी अंडर रूट आर प्लस ओमेगा यल, और ऑप्शन डी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 20 में है प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है ऑप्शन ए अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, ऑप्शन बी अपवर्तनांक बटा पथ लंबाई, ऑप्शन सी पथ लंबाई बटा अपवर्तनांक, और ऑप्शन डी अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई बटा टू। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 में है निकट दृष्टता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है, ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बेलनाकार, और ऑप्शन डी समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल। 22 में है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, ऑप्शन ए बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, बी है बीटा इक्वल टू स्मॉल डी बटा कैपिटल डी इंटू लैम्बडा, ऑप्शन सी है बीटा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू लैम्बडा बटा कैपिटल डी, और डी है बीटा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी लैम्बडा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए होगा। उसके बाद 23 में है निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई है, ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी फेरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 24 में है आवेश का बीमा होता है, ऑप्शन ए ए टी,
ऑप्शन बी ए टी इनवर्स, ऑप्शन सी ए इनवर्स टी और ऑप्शन डी ए टी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ए टी। 25वें है एक वोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन ए एक जूल, ऑप्शन बी एक जूल पर कूलम, ऑप्शन सी एक कूलम पर जूल और ऑप्शन डी एक जूल कूलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक जूल प्रति कूलम। 26वें है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। 27 में देखिए दोस्तों तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। 28 में है एक गर्म तार ए मीटर मापता है, ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान और ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 29 में है लोहा होता है, ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय और ऑप्शन डी अचुंबकीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लौह चुंबकीय। 30 में है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता कितना होगा, ऑप्शन ए है 2C, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी सी बटा 2 और ऑप्शन डी 1/2C। इसका आंसर होगा ए। 31 में है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी फोटोन और ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर होगा बी छिद्र। 32 में है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, ऑप्शन ए है m = -L/FO × 1+DE, बी है m = FO/L × 1+DE, सी है m = 1+DE और डी है m = 1-DE। तो इसका सही आंसर होगा ए m = -L/FO × 1+DE। 33 में है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। 34 में है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऑप्शन ए विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन बी विद्युतीय विभव, ऑप्शन सी विद्युतीय धारिता और ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र। 35 में है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों और ऑप्शन डी आंतरिक। तो इसका आंसर होगा ए अनुप्रस्थ। 36 में है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, ऑप्शन ए है F = Q × E+V⃗ × B⃗, ऑप्शन बी F = QE+V⃗ × B⃗, ऑप्शन सी F = QE+V⃗ × V⃗ और डी F = Q × E+V⃗ × V⃗। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 37 में है कैथोड किरणें होती है, ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी फोटॉन। तो इसका सही आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉन। 38 में है किसी यम द्रव्यमान के वी वेग से गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य होता है, ऑप्शन ए है λ = mv/h, बी है λ = h/mv और सी है λ = h × mv और डी है λ = mv/h². तो इसका सही आंसर होगा बी λ = h/mv। 39 में है नाभिक का घनत्व लगभग होता है, ऑप्शन ए है 2.29 × 10⁻⁷ kg m³, बी ऑप्शन है 2.29 × 10⁻⁷ kg m³,
और सी है 2.29 × 10⁻¹⁷ केजी मीटर प्रति क्यूब, और डी है 2.29 × 10⁻¹⁷ केजी मीटर प्रति क्यूब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 40 में है गामा किरणों की तरह होता है, ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी कैथोड किरणें और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर होगा डी एक्स किरणें। 41 में है किलो वाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी बल आघूर्ण का और ऑप्शन डी विद्युत धारा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों है प्रकाश वेग, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी शीशा में, ऑप्शन सी पानी में और ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वात में। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में 2020 एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट का जो आज हुआ है 3 फरवरी 2020 को उसके 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखा। और दोस्तों हमें आशा है कि जिन जो लोग आज परीक्षा देकर आए होंगे उनका लगभग सभी ऑब्जेक्टिव सही गया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और परीक्षा से अप टू डेट रहें। धन्यवाद।